हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो आज हम जो वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं वो है राज़-ए-उल्फ़त की लास्ट एपिसोड के टीसर के हवाले से। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैबा को भी सर पे चोट लगती है और वो मुश्क जो है उससे मिलने जाती है। सो उसके साथ साथ ये दिखाया कि जी सैबा तो चली गई है कोमा के अंदर और अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि फ़ैसला लेने की घड़ी आ चुकी है मुश्क के। और मुश्क जो है वो बाकायदा एक ख़त लिखती है और जिसमें इस्माइल को कहती है कि जी मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ, मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है। सो काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला ये एपिसोड, जिसमें काफ़ी तमाशा होने वाला है। जैसे कि फ़िल्मों में तमाशा होता है वैसे ही इसमें भी तमाशा होने वाला है। सो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा राज़-ए-उल्फ़त की लास्ट एपिसोड के हवाले से, और रियली अमेजिंग होने वाला है गाइस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुश्क जो है वो ख़त छोड़ती है, और खैर आजकल तो कोई भी ख़त नहीं छोड़ता, आराम से कॉल करता है या मैसेज करता है कि जी मैं जा रहा हूँ या मैं छोड़ दिया है। उस मैसेज के अंदर इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया जाता है जैसे ख़त पे लिखा जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुश्क ने जो है वो बाकायदा एक लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने इस्माइल को बोला है कि जी मुझे आप इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। और बाकायदा बच्चों से बड़े प्यार से घुल मिल के वो मुश्क जो है घर छोड़ के चली जाती है। सो जो तीसरे में दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि जी मुश्क जो है वो जाती है इरतिज़ा से मिलने, और इरतिज़ा के पास जब वो जाती है तो इरतिज़ा बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि जी मुझे पता था मुश्क तुम ज़रूर आओगी, मतलब उसे पता था कि उसने उसी के हक़ में फ़ैसला लेना है। और बाकायदा वो उसे बेंच पे बिठाता है, उसके घुटनों के आगे झुकता है और उससे कहता है कि जी अब तुम जो है वो इस्माइल को छोड़ दो, और ये बोलता है। तो एक लम्हे के लिए तो मुश्क चौंक जाती है, बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करूं मैं दोबारा से, कि मैंने सही फ़ैसला लिया या गलत फ़ैसला लिया है। लेकिन इतने में ही उसे इस्माइल की कॉल आ जाती है जी, और यहाँ स्टार्ट हो जाता है एक नया तमाशा। तो उसमें ये दिखाते हैं कि इस्माइल जी कॉल करके उसको बोलता है और मुश्क पूछते हैं जी क्या हुआ इस्माइल, सब खैरियत है? और इस्माइल कहता है कि जी तुम्हारी अम्मी की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मैं जो हूँ वो हॉस्पिटल लेकर आया हूँ उन्हें, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। सो काफ़ी अमेजिंग होगा, क्योंकि बेचारा जब इस्माइल घर पहुँचेगा मुश्क तो उसे मिलने वाली नहीं है, और मुश्क साहिबा जो है वो इरतिज़ा के साथ बैठी हुई हैं। और वो फिर एकदम से चौंक जाती है, बेचारी परेशान हो जाती है, उसके कदम हट जाते हैं और वो वहाँ से फ़ौरन इस इरतिज़ा का हाथ छुड़ा के जो है वो भाग जाती है। और बेचारा इरतिज़ा पीछे से कहता ही रहता है मुश्क मुश्क मुश्क, और वो बेचारी चली जाती है। सो वो फ़ौरन घर पहुंचने की कोशिश करती है ताकि इस्माइल से पहले पहले पहुंच जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर में ये दिखाया है कि इस्माइल जो है वो उससे पहले घर पहुंच जाते हैं, और उस जैसे ही रूम में एंटर होते हैं तो उन्हें मुश्क का वो लेटर मिल जाता है जिसमें उसने लिख के गया होता है कि जी मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दें, मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती, मैं जो है वो इरतिज़ा के पास जा रही हूँ। सो काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि एकदम से इस्माइल शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि ये क्या हुआ। और इतने में जो है वो मुश्क भी पहुंच जाती है, वो इस्माइल के हाथ में वो लेटर देख लेती है, वो बाहर होती है रूम के और इस्माइल जो है वो रूम के अंदर होते हैं। सो काफ़ी अमेजिंग है, बेचारा इस्माइल सोच ही रहा होता है कि फिर उसको समझ आती है कि अच्छा ये सब रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है। क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड में दिखाया था कि उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि मुश्क जो है वो एक दोबारा से इरतिज़ा के आसपास घूमने लग गई है और दोबारा से उनके नज़दीकियाँ आ रही हैं। तो उसकी माँ उसे काफ़ी समझा चुकी होती है, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं मानती है इस चीज़ को। और लेकिन वही बात है कि उसका दिल जो है वो सिर्फ एक ही नाम लेता है जी, इरतिज़ा इरतिज़ा और इरतिज़ा। और काफ़ी अजीब सी सिचुएशन है ये, कि बिल्कुल फ़िल्मों में ऐसा होता है कि बच्चों की वजह से माँ बाप जो है वो एकदम से मर जाते हैं उनके गम में, लेकिन यहाँ इन्होंने ड्रामा में भी दिखा दिया है। और बस खैर उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है जी, पता चलता है डॉक्टर्स कहते हैं कि जी अब आपकी माँ तो रही नहीं है और अब बेचारी मुश्क को एहसास होता है कि उसकी वजह से उसने पहले अपने बाप को खो दिया और अब अपनी माँ को भी उसने इसी रीज़न की वजह से खो दिया। और फिर उसको याद आता है कि जी ओ, मेरी माँ ने मुझे कितना समझाया, इस्माइल बहुत अच्छा है और इस्माइल के साथ रहो, उसे एक चांस दो, और इरतिज़ा ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, इसके बावजूद तुम उसके लिए जा रही हो। तो उसे फिर वो सारी बातें रिकॉल होती हैं बार बार और उसे काफ़ी अफसोस होता है, क्योंकि इसमें इन्होंने मुश्क का कैरेक्टर ही कंफ्यूज दिखा दिया कि भाई जब शादी हो गई तो उसको उसके साथ खुश दिखाया जाए। फिर वही बात है कि अगर वो मुश्क को इस्माइल के साथ खुश दिखाएंगे तो इरतिज़ा बेचारे का क्या होगा। अब देखना ये है कि क्या वाकई मुश्क जो है वो इन सब के बाद भी, अपने माँ बाप की डेथ के बाद भी जो है वो इरतिज़ा के पास वापस जाएगी, या फिर वो इस्माइल के साथ रहना शुरू हो जाएगी। उसको अपनी माँ की बातों का एहसास हो जाएगा कि नहीं जी, मेरी माँ सही कहती थी कि इस्माइल बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखेंगे। क्योंकि अब उस मुश्किल तो कोई भी नहीं रहा ना, माँ बाप रहे हैं और बहन की भी शादी हो चुकी है। तो अब वो कहाँ जाएगी, या तो वो इरतिज़ा के पास जाएगी या वो इस्माइल के पास वापस जाएगी। अब ये तो हमें इस एपिसोड को, लास्ट एपिसोड को देखने के बाद पता चलेगा। सो होप गाइस, आपको भी ये लास्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी तमाशा होने वाला है जो इससे पहले एक दो ही एपिसोड में नज़र आया था। लेकिन अब इस लास्ट एपिसोड के अंदर भी रियली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। लास्ट एपिसोड राज़-ए-उल्फ़त की बिल्कुल मत देखना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो टिल नेक्स्ट टाइम हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।